हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक करना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके, तो फिर मैं अब करूँगा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें तकरीबन 12 सम्स हैं, तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने 1 से लेके 5 तक बनाया था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दिख रहे हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ये वाला। ओके, हर एक अभी जितने 12 सम्स है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर का करने का है। तो पहली बात हम इसको ही सॉल्व करेंगे, मतलब ताकि हम लोग को ये आंसर मिल सके, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रुको, ऐसे लिख देता हूँ कॉस थीटा। प्रीवियस कुछ सम्स किए थे उसमें याद होगा कि हमने क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई किया था और ये प्लस हो जाता है और फिर ये डिनोमिनेटर में रहता है। देखो मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज़ रहेगा प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये, तो कॉस थीटा ही रहेगा। ओके, ये इतना हो गया। उसके बाद अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम देखें, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा, 1। ये पूरे वैल्यू की जगह मैं लिखूँगा 1, बिकॉज ये देखो फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉस थीटा हो जाता है। उसके बाद अगर आप 1 अपॉन कॉस थीटा देखोगे, कहाँ पे है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पर उसका क्या है, सेक। ओके, तो सेक थीटा हो जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का है, हमने सॉल्व कर दिया। अगर हम राइट हैंड साइड का देखें और लेफ्ट हैंड साइड का देखें तो दोनों हमने इक्वल करके बताया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसमें कैसे करना रहता है, 12 सम्स जो लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा उसको सॉल्व करना रहता है, ताकि राइट हैंड साइड का, मतलब जो राइट हैंड साइड में वही आंसर मिले, ताकि हम दोनों साइड का इक्वल कर सकें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो है उसको इक्वल कर सकें। ओके, तो ये था फर्स्ट सम। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं इतना तक करूँगा, उसके बाद पॉज करने के लिए कहूँगा, दोनों सम्स फिर आप एक साथ देख सकते हो। उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मैं ज़रा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बहुत ही सिंपल है, ये जो 1 प्लस, ये देखो इसको मैं नीचे लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को ही, और ये फार्मूला जो आप लोगों ने लिखा है वो भी आप साइड में रख सकते हो। ये देखो ये, ठीक है, सिर्फ इतना हम लोगों को ऐसा सॉल्व करना है कि इसका आंसर भी 1 मिले। तो पहली बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का क्या है, सीकेंड। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए, इसकी जगह मैं लिखूँगा
सीकेंड मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ओके ये दोनों हो गया। उसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो वेट अ सेकेंड, बुक थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा तो वही के वही रहने दो, ये जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा उसको हम देखते हैं। तो सेक थीटा क्या है, ये देखो सेक थीटा का क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों मैच भी हो रहे हैं, और इधर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर डाल देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो मैंने देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, मतलब सीकेंट बोलते हैं उसको। फिर सीकेंट को कन्वर्ट करके वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों कट हो गए तो आंसर क्या आता है, वन, मतलब वन है ना। अब इस फॉर एग्जांपल 4/4 है, तो इसको कट करके आंसर क्या आता है, 4×1=4 ना। वैसे इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को आंसर मिला वन। ओके तो अब ये दोनों सम से इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, रुको मैं ज़रा क्वेश्चन लिख देता हूँ। वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ओके इज इक्वल्स टू, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड अब लिख रहा हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते रुको, ठीक है ये हो गया। अभी इसमें किस प्रकार से सम करना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को तो कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना। ये देखो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ये। अभी इसमें कैसे करना है, पहली बात तो नाइन्थ में हमने सीखा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का यहाँ पर, रुको मैं लिखता हूँ, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, मैं बताता हूँ ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ओके सो इसमें, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रैश यहाँ पर वो डालना है। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना रहता है, लेकिन इसमें साइन ऑपोजिट रहेगा। रुको मैं बताता हूँ, ये पहले आप लोगों को लिखना रहेगा जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, और मल्टीप्लाई करके ये जो डिनोमिनेटर है जो प्लस साइन में, उसको माइनस साइन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर में नहीं है। देखो अगर हर एक स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस में स्क्वायर्स में थे, यहाँ जब स्क्वायर में नहीं रहता और फ्रैक्शनल फॉर्म में रहता तो हम लोग को रैशनलाइज करना रहता है। सॉरी ये माइनस करना है, रुको वापस बताता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर रहता है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना रहता है, और ये जो प्लस रहता है ना ऑपोजिट, मतलब जो साइन होता है इधर ऑपोजिट साइन डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को पता ही है, लेकिन यहाँ पर कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही अलग टाइप ऑफ सम है। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, मतलब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन को ऊपर नीचे माइनस माइनस करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ माइनस माइनस है तो कैसे लेना है, वन माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे 2 स्क्वायर हो गया, मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या हो गया, मैं नंबर का इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ना डायरेक्ट 1 स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे जो रॉन्ग है इधर, और दोनों माइनस माइनस है। तो मतलब देखो 2 का 2 स्क्वायर में क्या होता है, 2 × 2 होता है बराबर, वैसे ही यहाँ पर साइन 1 − sin θ मल्टीप्लाई बाय 1 − sin θ, तो 1 − sin θ द होल स्क्वायर, मतलब इसके तरह नंबर नंबर में कैसे बताया जाता है वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब
प्लस एंड माइनस है तो कैसे वन स्क्वायर हो गया, एक तो वन स्क्वायर हो गया और प्लस एंड माइनस माइनस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ओके, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो रैशनलाइज करना है और एक तो ये कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पूरा मिस्टेक करोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला का पेपर है मेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, रुको, हे भगवान। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब ऊपर नीचे, यही चीज़ ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट रहेगा। सपोज माइनस रहता है यहाँ पर तो हम प्लस प्लस करते, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसके लिए हम माइनस का साइन डालेंगे। उसके बाद मैं नीचे लाया और स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है, ये साइन सेम है तो मतलब उसको ब्रैकेट में डाल के बाहर स्क्वायर लेना है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। और जो नीचे का डिनोमिनेटर प्लस एंड माइनस है, इसके लिए मैंने वन वन ज़ा वन स्क्वायर प्लस एंड माइनस माइनस और साइन स्क्वायर थीटा ये डालना है। उसके बाद अभी देखते हैं आगे क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो ऊपर का है वो तो किसी में जाता तो है नहीं, अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर का अगर आप देखोगे, डिनोमिनेटर का देखो, एक तो ये देखो पहले वाले के साथ थोड़ा मैच हो रहा है। देखो साइन, मैं यहाँ पर थोड़ा सब्सटीट्यूट करके बताता हूँ, साइन ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर किस तरह से है, एक तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा को यही रखते हैं, वन नीचे आ गया और ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है देखो। ओके, तो मैंने इसके मदद से, पहले वाले की मदद से जो डिनोमिनेटर है उसको मेरे को क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो इसमें भी एक चीज़ है, ये वन वन ज़ा वन हो जाता है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, तो वन वन ज़ा वन, वन स्क्वायर का क्या होता है, वन होता है। तो मैंने ये फार्मूला लिखा, वन है कॉस को नीचे लाया, कॉस टू को नीचे लाया, वन को नीचे लाया, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लिया और नेगेटिव साइन हो जाता है, ऑपोजिट साइन हो जाता है। तो ये देखो ठीक है, आंसर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या लिखना है ये, आगे देखते हैं, रुको, क्योंकि यहाँ पर अब हर जगह स्क्वायर रूट और है, ये है, अगर मैं कट करूँ स्क्वायर रूट निकालू स्क्वायर निकालू तो क्या सिंगल क्या बच जाता है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, रुको मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब दोनों हटेगा तो ये भी हटे, दोनों हटाना ही होगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा और स्क्वायर्स भी हटेंगे, तो सिंगल ये बनेगा। अभी इसको मैं तो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जैसे कि इसको कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखो ये जो कॉस थीटा है मैंने अलग अलग कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया, एक को इसके साथ एक को इसके साथ, देखो ऐसे। ये सम को आप चाहे तो एक बार नहीं कई बार आप रिपीटेडली देख सकते हो पीछे लेकर के वीडियो को, बिकॉज ये जो सम है बहुत ही टफ है और बहुत ही डिफरेंट सम है बाकी दो सम्स से। फिर उसके बाद देखो, अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला पे जाते, एक तो ये कॉस थीटा है और ये साइन अपॉन कॉस थीटा है, तो वन अपॉन कॉस थीटा का क्या है, सेक थीटा, इसके जगह देखो वन अपॉन कॉस थीटा का क्या है, सेक थीटा, ये हो गया। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखो क्या है, टैन थीटा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और जो आपका राइट हैंड साइड है वो मैच हो रहा है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ सम है, प्लीज़ इस वीडियो को आप चाहिए तो रिवाइंड करके भी देख सकते हो चाहिए तो, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ सम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, पॉज करना तो पॉज भी कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें देखो sec थीटा माइनस cos थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड मेरा कैमरा एडजस्ट करता हूँ। ओके, tan थीटा
और मल्टीप्लाई है ओके। क्वेश्चन में अगर आप देखो सेक थीटा, आई होप स्क्रीन पर आ गया बराबर ओके। तो क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक, ये मतलब मल्टीप्लाई होता है ओके। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसको ही सॉल्व करना है ताकि हमें राइट हैंड साइड वाला आंसर मिले। तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर बीच में मस्त। ओके ये एक साथ है, ये एक साथ है। अभी देखो मैं जो फार्मूला लिखा है वो लेके आता हूँ। फार्मूला के हिसाब से इसमें देखो सेक थीटा और इसकी जगह सेक थीटा की जगह मैं ये लिख देता हूँ वन अपॉन कॉस, क्योंकि ये दोनों मैच भी हो रहे हैं। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो इसकी जगह मैंने लिखा ये वन अपॉन कॉस ओके कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऑलरेडी एक था वो नीचे आ गया। मल्टीप्लाई बाय अभी कॉट का देखो, सी ओ टी कॉट ठीक है ओके ऑलराइट। कॉट का क्या एक ओके, मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, फिर कॉट का भी था मैंने ये इसका देखा नहीं था। तो नाइन्थ वाला फॉर्मूला ये रहेगा। अभी आप लोग एडिशनली एक लिख लो, कॉट का होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कॉट का है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात याद रखना ओके। ये वाला एक एडिशनल चीज़ करना है, और हमारे पास टैन का तो है ही, तो कॉट थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है प्लस, और टैन थीटा की जगह तो ऑलरेडी आपके पास है साइन अपॉन कॉस। मेरे को लगा कॉट का नहीं रहेगा बोल के, बिकॉज ज़्यादातर यहाँ पर पूछा नहीं गया है, साइन कॉस एंड टैन का ही पूछते, लेकिन कॉट सेक और कोसिकेंड वाला वो भी था, लेकिन मैं ये थोड़ा मिस किया यहाँ पर। तो ये भी लिखो ज़रा, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो कॉट की जगह क्या लिखना है, कॉस अपॉन साइन, और टैन की जगह आपको लिखना है साइन अपॉन कॉस थीटा ठीक है। अब ये तो इजी है, इसमें क्या करना है, एक तो ये मल्टीप्लाई होगा, देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब भी आपने प्रीवियस सब में भी ऐसे ही किया था, ये दो मल्टीप्लाई, ये वन आएगा नीचे माइनस, ये दो मल्टीप्लाई क्रॉस वन स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये देखो, ये ऐसे क्रॉस करके ऐसा लेना है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखना, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ओके। प्लस साइन है माइनस साइन रहता है वैसे ही करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं था ना, इसके लिए आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है, और ये तो एज इट इज़ लिखना है, और डिनोमिनेटर को भी एज इट इज़ लिखना रहेगा। उसके बाद अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखो पहला वाला देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओके। तो ये काफ़ी हद तक पहले से मिलता जुलता है, वन भी है कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। देखो ये वाला जैसे मैंने प्रीवियस सब में आपको सॉल्व करके बताया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा वन है तो साइन, अरे यार क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओके अपॉन ये जो कॉस थीटा है उसको हम ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, ये रहने दो। उसके बाद कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये यह, इसकी बात कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का क्या है वन ओके। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब वो वाइस वर्स है, उल्टा फुल्टा है, लेकिन दोनों सेम है, तो इसका आंसर है वन। और साइन इंटू कॉस उसका एज इट इज़ लिख देते, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस थीटा को इसको बीच में लिख देता हूँ ठीक है, साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं वही बेटर है, लेकिन फिट सेकेंड
यहाँ पर अगर आप देखो साइन, मैं इधर थोड़ा सा डिटेल में आपको बता, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है बिकॉज स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई, तो कॉस सिंगल है, रुको रुको वेट अ सेकेंड, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको हम स्प्लिट किए दो बार, साइन थीटा मल्टीप्लाई वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी यहाँ जो साइन है वो कट हो जाएगा ओके, और बच क्या रहा है ओके, ये दोनों कट हो गए, तब क्या बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर बच रहा है वन इंटू कॉस थीटा सिर्फ ओके। तो बेसिकली ये दोनों स्प्लिट कर दिया मैंने, और ये जो साइन एक था ये जो साइन थे ऊपर नीचे कट, तो ये दो बच रहा है, ये दो बच रहा है। अभी देखो साइन अपॉन कॉस क्या आ रहा है, अगर आप देखो साइन अपॉन कॉस का क्या आ रहा है, टेन टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस का क्या आ रहा है सेक, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है, सो ये है लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ओके। तो बहुत ही इजी है, आप लोग एक दो बार मतलब ऐसे देख लीजिए, रिवाइंड करना हो तो रिवाइंड कीजिए, जिन्हें पॉज करना हो पॉज कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखते रुको, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, अरे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ये कुछ है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा थीटा बोल के अजीब सा कन्फ्यूजन हो जाता है ओके। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा हो, नहीं तो मैं वापस लिख देता हूँ, इधर कोई टेंशन नहीं है। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड है, अपने को ये वाला राइट हैंड साइड की तरह आंसर फाइंड आउट करना है, कॉट्स कॉट थीटा प्लस टैन थीटा ओके, तो ऑब्वियस बात है आपके पास कॉट का ऑलरेडी यहाँ पर, रुको मैं अगर इसको फोल्ड कर देता हूँ, परफेक्ट, तो कॉट थीटा की जगह मैं यहाँ पर सॉरी ये वाला कॉट थीटा की जगह मैं लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका वैल्यू मिल गया, प्लस टैन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अभी चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही डिनोमिनेटर सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, मैं एक लाइन लीव करके करता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ये और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पर भी वही वही तरह से इसकी तरह ही करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, रुको आई भगवान, देखो 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 ये दो बार है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देख ना ये एक हो गया, और अच्छा मैं पूरा एक साथ ही लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वेट अ सेकंड मैं प्लस ओके प्लस करना है ओके ओके आई गॉट इट। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोगों को ये कट करना है, ये कट करना है ओके, वेट अ सेकेंड आई एम कन्फ्यूज, वेट अ सेकेंड, इससे अच्छा तो मैं बेटर आइडिया है, सब कन्फ्यूजन ही नहीं। ये देखो इतना इतना तक किया आप लोगों ने, फॉर्मूला के हिसाब से जाते हुए बेटर है, ठीक है साइन प्लस कॉस क्या है वन, डायरेक्ट ही कर देते, साइन प्लस कॉस क्या है वन, तो मैं यहाँ वन लिख देता हूँ, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो एज इट इज़ लिखना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिखना है, इसकी जगह ये जो चीज़ है यहाँ पर था तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, अदरवाइज़ तुम लोगों को ये लॉन्ग कट मेथड बता के फिर तुम लोग नहीं समझोगे, फिर स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और वन अपॉन साइन थीटा क्या है, इसकी जगह मैं लिखूँगा कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई और वन अपॉन कॉस का क्या है यहाँ पर है क्या है सेकेंड सीक सेकेंड या सेक थीटा, मैं सेकेंड बोल रहा हूँ सॉरी सेक थीटा, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव हो गए, सॉल्व हो गए। ओके तो इसे आप लोग पॉज कीजिएगा, मुझे लगा कि ये स्टेप थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, पेज के पार हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ता, तो इसके लिए बताते हो। तो यहाँ ये जो है इसी फॉर्मूला के तहत 1 मिल रहा है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके तो पॉज कीजिए, या तो नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके पीछे जाइए वीडियो को लेकर के और वापस से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब वीडियो है, फ्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर 12 सम्स हैं, ओके टोटल 12 है, तो ये 6 सम है। तो इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 upon sec theta minus tan theta is equals to sec theta plus tan theta, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हम सॉल्व कर देंगे। अभी ये एकदम थर्ड क्वेश्चन की तरह रैशनलाइज करना है। अभी आप लोगों को समझाया था थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, जो डिनोमिनेटर में है वही मैं ऊपर नीचे लिख दूँगा, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख दूँगा, रुको। सेक प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके। तो ये जो माइनस है ये ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा ऊपर नीचे लिखा जाता है। इसीलिए किया जाता है, अगर आप जो जितने भी सम्स देखो तो जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए वो स्क्वायर्स में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फार्मूलाज वगैरह। नॉर्मल ऐसा लाइन वाइज होता है, जो आप सम्स देख रहे हो उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये जब फ्रैक्शनल फॉर्म में बात आती है तो आप लोगों को रैशनलाइज करना होता है। ओके थर्ड और सिक्स सम को थोड़ा बारीकी से समझो, आप लोग डेफिनेटली समझ जाओगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है फिलहाल। ये देखो, ये तो वनजा में पूरा कॉपीड ही हो जाएगा, ये देखो ये पूरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये प्लस एंड माइनस है एज आई सेड, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर दोनों तरफ प्लस होता हो सेम ये होता तो आप द होल स्क्वायर कर देते हैं। अभी यहाँ पर कैसा होगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ओके सेक स्क्वायर थीटा माइनस, प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद देखो फार्मूला लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो सीकेंड और टेन है, यहाँ पर क्या है आंसर, 1 टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड मतलब सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये जो है जो ऊपर वाला वो तो मैं बराबर से एज इट इज़ लिख दूंगा, बिकॉज इसका कोई वैल्यू निकल के नहीं आता, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है, टैन और सेक में 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो ऑब्वियसली आंसर मिल गया आप लोगों को, सीकेंड थीटा या सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये देखो। ओके सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये जो डिनोमिनेटर 1 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं थे, अगर ऊपर होता तो बात अलग होती, बिकॉज ये नीचे हो गया, अभी ये नॉर्मल ऐसे हो जाता है, तो ये दोनों प्रूफ हो गए। तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक सेकेंड, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा फिर इज इक्वल्स टू 1 minus 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ऑलराइट। सेकेंड मैं फॉर्मूला भी यहीं रख रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जो भी है हम सॉल्व करेंगे। ओके तो पहली बात क्या करेंगे हम लोग, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू के उस पार इस पार, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना प्रेफर करूँगा। जब ज़रूरत पड़े ऐसा लगेगा कि नहीं मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड उतना काबिल नहीं लगता सॉल्व होने के लिए, तो मैं राइट हैंड साइड भी यूज़ कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए लेफ्ट हैंड साइड बेटर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं देखो ये 4 है ना, इधर दोनों 4 है, तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये देखो ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा करूँगा द होल स्क्वायर। अभी देखो मैंने क्यों किया ऐसा, देखो देखो एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा एक लाइन लीव करता हूँ। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा
स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इतना किया। मतलब मैंने ये जो 4 है उसको 2 में डिवाइड किया। ओके, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब इसमें आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने सीखा होगा, याद होगा, तो a माइनस बी का क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये याद होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं होगा तो प्लीज़ इसको या इसको प्लीज़ रिमेंबर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अभी इसको किस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे हो गया ये, तो ये दोनों लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया और दूसरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से अभी आप लोग देख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। अभी इसमें जो देखो साइन प्लस कॉस वाला कुछ हो रहा है, देखो एक माइनस वाला है, तो ये जो फार्मूला देखो पहला वाला फार्मूला इसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वन, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा वन। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये जो है इसको मैं नीचे लाऊँगा। ठीक है, तो अब बच रहा है ये इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर इतना होने के बाद हमने इतना लिखा, उसके बाद जो भी है हम इसको नीचे लाएंगे, बिकॉज वन ज़ा वन ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसमें भी देखो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगेन इसके साथ ही थोड़ा सा इसके ही मदद से थोड़ा सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा रिकैप देता हूँ। 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये किस तरह से माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ये वाला चीज़, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक ये मतलब ए प्लस बी और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जो इसकी जगह है ये फार्मूला में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो इसे नीचे लाइए और ये जो वन है वो जो भी है ये नीचे आ जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा का देखिए, एक मैं चीज़ बताता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करते हो इसको, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वाला फार्मूला मैंने लिखा है। अगर मैं मतलब देख मेरा पैर गया, वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही कॉर्नर में रखता हूँ, बिकॉज हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, वन को नीचे लाता हूँ और ये जो माइन प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है थीटा वो इस तरफ लूँगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, ये जो है ताकि मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये जो फार्मूला है ये मैंने लिखा और इस कदर से लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल सके, जैसे हमने इसमें किया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ओके, तो वन नीचे लाया, अब इसमें क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा में ये नीचे लाया, वन नीचे आया और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर है वो इस तरफ लिया, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसकी जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से अभी मैं थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ, इधर अगेन आई एम राइटिंग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा ब्रैकेट वगैरह हटा रहा हूँ। अभी देखो भाई, देखो वन नीचे आया, माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो वही मिल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे ले करके देखो, समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली समझ जाओगे। ओके, तो मैं इसके लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझा। तो देखो यहाँ पर मैंने अगेन आई एम सेइंग, ये मैंने इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पूरा लिख दिया और ये कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे लाया, ऐसे सॉल्व किया, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये दोनों मिला के कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, तो ये मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो प्लीज़ इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद मैं देखूँगा, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ कि गलती नहीं हुई ना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, चलिए फॉर्मूला को मैं यही रखता हूँ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैंने मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करके देखा था तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में मतलब आंसर मिला, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को यहाँ से पढ़ाऊँ। मैं राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करूँगा ओनली फॉर दिस सम। ओके, बिकॉज राइट हैंड साइड के थ्रू मैं जब फाइंड आउट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाता है। रुको मैं बताता हूँ, ये मैं इसे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड का। ओके, मैं इसीलिए RHS लिखा हूँ बिकॉज आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, सोचो कि यार लेफ्ट हैंड साइड का क्यों नहीं किया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बहुत ही अलग टर्म्स इस्तेमाल करके करना पड़ता है जो आप शायद भूल भी चुके होंगे। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें पहला स्टेप क्या है, देखो स्टार्टिंग के कुछ दो सम्स में हमने देखा था ऐसे करके वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अभी तक आप लोगों को पता है ये डिनोमिनेटर जो होता है इसको ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन जो साइन होता है वो अपोजिट होगा। जैसे 1 प्लस साइन थीटा, राइट, और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा ऐसे। ऑल राइट, ये जो है बिकॉज मुझे बहुत इजी लगा इसके लिए मैं ये वाला बता रहा हूँ। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा तो इजीली हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करके राइट हैंड साइड, लेकिन जब मैंने ये वाला सम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये सम के लिए राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, मैंने रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और जो साइन है वो अपोजिट किया, माइनस था या प्लस प्लस कर दिया। ओके, इतना क्लियर है। फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। और ये जो है एक बार ही आ जाएगा आपसे, तो ऐसे लिख सकते हो 1 1 1। प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मैंने ऐसे ही लिख के रखा है। 1 1 ज़ा 1, माइनस एंड प्लस माइनस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ इससे मैच हो रहा है तो हम लिखेंगे। ये देखो कॉस थीटा तो लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा भी लिख रहे हैं। रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो साइन यहाँ पर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन का दोनों तरफ देखो ये कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, प्लस या माइनस इधर डालना है इधर डालना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा तो उधर ही रहने दो, इक्वल्स टू 1, ये इस तरफ हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, मैं साइन स्क्वायर थीटा को नीचे लाता हूँ और ये जो 1 है मैं इस तरफ लूँगा तो क्या होगा, माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा। तो जो 1 माइनस वाला है वो इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो माइनस साइन वाला है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, साइन माइनस वाला, अगेन मैं वापस बताता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अभी आप देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ये जो कॉस है मैं इसको एज इट इज नीचे लाता हूँ, ठीक है, और 1 को अपनी जगह पे। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इस तरफ ले लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो जो डिनोमिनेटर में है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ना कि ऊपर के। कैसे सॉल्व किया करो, समझा करो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा वही के वही नीचे है, इक्वल्स टू नीचे है, 1 भी उसी जगह पे,
बस साइंस को थीटा को उस तरफ ले लिया ताकि हम देख सके कि किस लिए यूज़ करना है, इसके लिए या इसके लिए। तो मेरे को डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करना है। अब क्लियर इतना हो गया। उसके बाद ओ सॉरी मैं कैमरा पे नहीं दिख रहा था ना, आई एम सॉरी। ओके मैं वापस बता रहा हूँ, साइंस पर थीटा ये पूरा फार्मूला मैंने लिखा, ये जो पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा को उसी उधर ही नीचे लाया, इक्वल्स टू को उधर ही लाया नीचे, वन को भी नीचे लाया, जस्ट ये साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लिया और यहाँ पर लिख दिया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो माई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर डालना है, ना कि वन प्लस साइन स्क्वायर पर डालना है, और स्क्वायर साइन थीटा, ओके स्क्वायर है तो समझ के चलो स्क्वायर के साथ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला के हिसाब से चलो, बस स्क्वायर यहाँ पर है नहीं ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। ओके मूविंग ऑन, अभी यहाँ पर देखोगे, देखो मैं यहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, ये पूरा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर है उसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज स्क्वायर है ना, तो मैंने स्प्लिट कर दिया। अभी इसको कट करेंगे तो क्या बच रहा है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये आ रहा है। अभी मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, जैसे कि वन एक तरफ कॉस थीटा रखेंगे प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है मैंने दोनों तरफ हिस्सा कर दिया, ठीक है, एक वन के साथ, वन के डिनोमिनेटर में प्लस साइन के डिनोमिनेटर में। तो वन प्लस कॉस क्या होता है, अब फॉर्मूला देखिए, वन प्लस कॉस का क्या है, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या है, साइन अपॉन कॉस है टैन थीटा, तो आप लोगों को मिल गया। ओके सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने इक्वल कर दिया। तो आई होप ये वाला पार्ट आप समझ गए हो, ये वाला को इसका ही थोड़ा सा बताना था, बाकी सब ठीक है। ओके यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्यों ये इलस्ट्रेट करके बताया, कुछ क्योंकि कुछ बच्चे ये वाला चीज़ है इसके जगह लिख देते हैं कॉस, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइंड करके देख के चाहिए तो या तो पॉज कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि टैन थीटा इज इक्वल टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू टू। तो इसमें लिखा है कि टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इज टू। तो हम लोग को ऐसा प्रूफ करना है या शो करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टू, कुछ इस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोगों को जो ऊपर का है उसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे सिंपल चीज़ ये मैं पहले लिख देता हूँ, उनको लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ओके वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, और ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर हम ये ब्रैकेट में ले स्क्वायर और ये स्क्वायर ले ऐसे, तो इसमें देखो ये तो फोर हो जाएगा बराबर, लेकिन ये क्या होता है, ये ए और बी हो जाएगा। देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो बहुत ही कॉमन फार्मूला है। तो उसी तरह से आपको कंसिडर करना है, ठीक है, जैसे कि इसको ए और इसको बी समझ के चलो। जैसे कि टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टेन थीटा, हाँ ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। ऑल राइट, बहुत ईजी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, टू टू ज़ा फोर, इसको रहने ही दो, हम ये सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें टेन स्क्वायर थीटा है वो नीचे लाएंगे, ठीक है, और ये कट होता है तो क्या बच रहा है, टू प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा कुछ टू फोर। अभी आप देख सकते हो बहुत एक कमाल की चीज़ हो गई, ये टेन स्क्वायर थीटा है उसको नीचे लाएंगे, ये प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है उसको नीचे लाएंगे,
फोर लिखे हैं, लेकिन ये जो प्लस टू है इन लोगों के साथ तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो मैं इस तरफ लूँगा तो क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इसी को फोर माइनस टू कितना होता है, टू। ये देखो हमने प्रूफ कर दिया और यहाँ भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, बहुत ईजी सामने। तो इसे आप पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद में देख दी मतलब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेंथ। अभी इसमें क्या लिखा है देखते हैं। टेन ए, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ओके, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉट ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट मैं कैमरा में एडजस्ट करता हूँ, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए हो सकता है, मतलब ऐसा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो मेरे हिसाब से हम ये लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे लेकर के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर जो लेटर है ए, इस मतलब ए जस्ट इज इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ थीटा। ओके, अब तक आप लोग थीटा से सॉल्व किया आ रहे हो, तो लेटर भी इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट उन लोगों ने थीटा के जगह ए का लेटर दिया है। मैं इसे लिख देता हूँ ज़रा। ओके, आई रोट दिस, फॉर्मूला किधर है, वेट अ सेकेंड, मैं फार्मूला देखता हूँ पहले किधर है। ओके, तो फार्मूला मिल गया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक चीज़ को हम देखते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसे हम पहले देखेंगे। वन देखो, यहाँ पर टैन ए को हम एज इट इज़ लिख देते, ठीक है, और जो वन प्लस टैन स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, उसकी जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर, अच्छा थीटा की जगह ए तो होल स्क्वायर है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो होल स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये जो फॉर्मूला देखो ये और ये। ओके, सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉट ए, इसको भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर का भी है, देखो ये दोनों, तो इसका क्या है, कोसेक स्क्वायर, राइट, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, एंड द होल स्क्वायर भी लिखना है। ऑल राइट, ये जो बाहर स्क्वायर्स हैं वो भी लिखना रहेगा। इतना क्लियर है, हमने इतना कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्क्वायर स्क्वायर है इसको मैं कर देता हूँ सेक फोर ए, मतलब टू टू ज़ा फोर, और कॉट ए है ना, कॉट ए उधर, ये फिर इधर को सेक फोर ए, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ, देखो ये डिवीजन में बराबर, तो मैं सिंपल करने के लिए टैन ए डिवाइडेड बाय सेक फोर ए लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे प्लस प्लस साइन डालेंगे कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेक फोर ए, जो भी मतलब ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट इसमें लिखा है, ये ऊपर नीचे वाला मैंने स्ट्रेट इसमें लिखा है। अभी क्योंकि मैं आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, अभी आप फॉर्मूला देखो, टैन की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, टैन के फॉर्मूला की जगह मैं लिखूँगा साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, ओके डिवाइडेड बाय व्हाट, अब ये देखो सेक, सेक का क्या है स्टूडेंट्स, वन अपॉन कॉस ए। ओके, वन अपॉन कॉस ए, लेकिन यहाँ पर फोर है तो मैं यहाँ पर फोर लिख देता हूँ, ठीक है, इसके जगह मैं देखो सेक थीटा जो है, सेक ए है, वन अपॉन कॉस होता है, तो मैं इसकी जगह जस्ट फोर लिख देता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, फोर फोर लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्लस कॉट ए, कॉट का क्या था फॉर्मूला है, देखो कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, बस थीटा की जगह ए लिखना है, बिकॉज उन लोगों ने ऐसा दिया है पता नहीं क्यों,
और कोसेक, कोसेक का क्या है, वन अपॉन साइन ए है, और इसकी जगह जस्ट लाइक दिस सम यहाँ पर भी आपको फोर लिखना है। क्लियर, इतना हो गया। अभी आप लोगों को इतना तक तो पता है कि क्या करना है आगे। ये जो इस तरफ वाला रहता है, लेफ्ट साइड वाला रहेगा, इसका देखते, सिर्फ जो लेफ्ट वाला रहेगा उसका एज इट इज़ लिखना है। डिवीजन की जगह मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और ये जो ऊपर नीचे ये जो है इस तरफ का राइट साइड का, उसको हम ऊपर नीचे करेंगे। जैसे कॉस 4a अपॉन 1, ठीक है, प्लस सेम वे यहाँ पर भी जो लेफ्ट साइड है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, और ये साइन 4a ऊपर, ये जो साइड का रहेगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये और ये कट हो सकता है। जैसे देखो साइन ए तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, यहाँ का देखिए, यहाँ का। तो जब आप इधर सपोज यहाँ पर 1 है, तो 1 - 4 कितना होता है? अगर मैं ये जस्ट कंसिडरिंग, जब मैं इसको कट करूँगा तो क्या बच रहा है, कॉस 3a, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, कॉस 3a, ठीक है। 1 - 4 कितना होता है, 3, तो मैं क्या करूँगा, कॉस 3a लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं कॉस ए लिखता हूँ, ये वाला मल्टीप्लाई डालता हूँ, ये कट होके यह कितना होगा, साइन अभी 1 रहेगा समझो, तो 1 - 4 कितना होगा, 3a, तो साइन 3a, ठीक है। ये इस तरह से हुआ। अब ये इसका कॉमन कैसे निकाले, देखो पहली बात तो इसका कॉमन निकालना ज़रूरी है। जैसे साइन ए, देखो साइन साइन कॉस कॉस है, तो मैं इसको सिंगल ए करता हूँ। जैसे साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ब्रैकेट में लेता हूँ, ठीक है, साइन और कॉस का, और राइट साइन और कॉस को मैं सिंगल ले रहा हूँ। ये देखो ऐसा हमने लिखा, साइन ए और कॉस ए एकदम सिंगल रखा है वन वन पे। अभी देखो कॉस में कितना कम हो जाएगा, कॉस में कितना कम हो जाएगा, देखो 3 - सपोज यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, 3 - 1 कितना हो गया, 2a, ओके। अब प्लस साइन है, प्लस साइन का क्या है, साइन का, साइन ए का 1 - 3 कितना हो गया, 2, ठीक है। मैं वापस से ये वाला पार्ट समझाता हूँ, ये वाला मैंने ये सब लिखा, आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ तक। अभी मैंने साइन और कॉस जो है, बिकॉज साइन साइन कॉस कॉस दो दो बार रिपीटेड है, तो सिंगल साइन ए और सिंगल कॉस ए लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट में पहले कॉस का देखा, ये कॉस में क्या हो रहा है, ये दो कॉस को देखो, 3 - 1 कितना होता है, 2, प्लस साइन, और साइन का देखो 3 - 1 2a। अब ये इसकी जगह देखो, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए का देख, ये तो हो गया, इसको नीचे लाते हैं, और कॉस, ये देखो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों फार्मूला मैच हो रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज़ व्हाट, 1, तो मैं इसकी जगह लिखूँगा 1। तो आंसर क्या है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखिए मैच हो रहा है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरा सम आप डेफिनेटली समझ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर नहीं समझे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिलैक्स करो, वीडियो को पीछे ले लो, समझने की कोशिश करो। ये यूट्यूब वीडियो है, यहाँ पर कोई टीचर से आपको डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं। वीडियो जितनी बार आप पीछे ले करके देखोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना अच्छे से आप समझ जाओगे, ओके। तो जो लोग समझ गए होंगे उनको मैं इतने कहूँगा कि पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या है, सेक 4a 1 - sin 4a -2 tan² a इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इस कदर सॉल्व करने की राइट हैंड साइड की तरफ 1 मिले। तो देखिए ये तो क्वेश्चन है आपका, ओके, मैं क्रॉस चेक करता हूँ सही से किया है, ओके। तो सेक 4a को हम नीचे लाएंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम थोड़ा ट्राई करेंगे कैसे लिखने को। देखो अब ये 4 है तो उसको हम 2 - 2 में हिस्सा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2a और बाहर में दस होल स्क्वायर लेता हूँ। देखो 2 - 2 का कितना, 4 हो गया, ठीक है, प्लस करें तो 4 हो गया। ये 2 tan² a को हम नीचे लाएंगे, मतलब ये और इसको नीचे लाएंगे, और इसको थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा हम बदल देंगे। अब ये वापस से नीचे आ गया, लेकिन अगर इसको देखें तो ये क्या होता है, a - b द होल स्क्वायर होता है, ओके। a - b द होल स्क्वायर क्या हो गया, आई मीन व्हाट व्हाट टू से, लाइक मैं भूल
भूल गया, देखो ये इस तरह हो सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप। ओके मैं बस इसे इधर बता रहा हूँ, ये आपको नोट नहीं करना है। ओके मतलब ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। ओके ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक तो हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और एक हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये -2 tan स्क्वायर ए को नीचे लाएंगे। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, इसमें कैसा हो रहा है, एक तो ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप। ओके ये जो है मैंने बाहर लिया, इसीलिए दो हिस्सों में बट रहे हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा होगा आपने। एक हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और एक 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, वॉट एवर। फिर सेक 4 ए, अभी देखो इनमें से कौन सा कन्वर्ट हो सकता है। देखो अब अगर आप फॉर्मूला देखो, ये वाला पहला वाला, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेंगे, इधर ऊपर लिखूँ मैं, थोड़ा अच्छा रहेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1 पूरा नीचे लाऊंगा, ये जो है इस तरफ लूँगा, तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैं ये बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आप लोग कहोगे कि इन दोनों में से किधर कॉस स्क्वायर थीटा डालना है, तो बेसिकली ये जो माइनस वाला इधर डालना है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर ए, मतलब थीटा की जगह ए, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम नीचे लाएंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बिकॉज इसमें कोई मतलब वैल्यू निकल के नहीं आता या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं निकल के आता हम कह सकते, और ये जो है इसे नीचे लाएंगे। ठीक है इतना तक हुआ, अभी हम सेक का देखेंगे बिकॉज इसके साथ हम लोग को थोड़ा सा मैच तो करना पड़ेगा ना। तो सेक का क्या है, 1 अपॉन कॉस, ये वाला, तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस 4 ए। ओके इसको मैंने फॉर्मुलेट किया और इधर भी एक कॉस स्क्वायर ए है, दिख रहा है कोइंसिडेंस, कॉस कॉस कर दिया। ओके और जो बचा हुआ है उसको हम जस्ट नीचे लाएंगे, और क्या कर सकते हैं। ओके इसमें भी वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ज़्यादा नंबर किधर है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ कट करके यहाँ पे, अभी देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ठीक है, तो 1 cos² a, 1 अपन cos² a, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 tan² a, ये रहा ऐसा बनाना है। ओके अगर आप प्रीवियस सम देखो तो ऊपर का नंबर ज़्यादा था और नीचे का नंबर था कम था, तो जो बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो ये कट होके ये वाइनिश हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला रह जाएगा। ठीक है प्रीवियस सम को इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो, आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर कम नंबर था तो मैंने कट कर दिया, और जो नीचे गया वो देखो 2 माइनस 4 कितना हो गया 2, ऐसा हो गया। उसके बाद अभी इस कदर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे मतलब 1 समझ के चलो तो कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से हो रहा है। ओके और ये 1, ये तो हमेशा से वही के वही न्यूट्रल जैसा रहा है इधर। ओके तो ऐसे करना है स्ट्रेट मल्टीप्लाई, ये जो है स्ट्रेट मल्टीप्लाई। अभी आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करो, मतलब 1 के नीचे कॉस स्क्वायर ए ले लो प्लस साइन स्क्वायर ए के नीचे कॉस स्क्वायर ए लो ऐसे, ठीक है, और ये 2 tan² a करके ले लो। ठीक है ये हो गया, अभी देखो समझ गया ना, देखो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दिया। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करने पे 1 1 ज़ा 1 प्लस और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ज़ा कॉस स्क्वायर ए, तो अब देखो इसमें ये इसके साथ एक जाएगा प्लस साइन और इसके साथ एक ही जाएगा। अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर है इसीलिए मैं स्क्वायर डाल रहा हूँ। ओके 1 अपॉन कॉस का क्या है, सेक प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर। ओके टैन स्क्वायर ए, देखो साइन और कॉस का क्या है, टैन, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए मैं एक बार स्क्वायर ले रहा हूँ, -2 tan² a, इसको वापस नीचे लाएंगे।
ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, रुको मैं इसको ज़रा इधर रखता हूँ, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर जो सेक्स स्क्वायर ए है उसको हम नीचे लाएंगे, प्लस एंड माइनस, यहाँ पर वन समझ के चाहिए, प्लस एंड माइनस माइनस, तो टू माइनस वन वन हो गया, तो टेन स्क्वायर ए, ओके। और यहाँ पर देखिए, ये देखो ये फार्मूला के साथ मैच हो रहा है, देखो टेन और सेक है, ये देखो ये वाला, मैं इसे ब्रैकेट कर रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये जो वन है उधर ही रहने दो और सेक स्क्वायर ए भी वही रहने दो, ये जो है इस तरफ जाएगा, वेट अ सेकेंड, मेरी गलती हो गई, प्लस एंड माइनस क्या हो गया, माइनस, ये देखो मेरी से एक गलती हो गई, प्लस एंड माइनस माइनस, टू माइनस वन वन, बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, टू, उसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ओके। तो वन तो नीचे आया, इक्वल टू नीचे आया, सेकेंड सीकेंड स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए इधर ही है, ये इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक का क्या वैल्यू है, सेक माइनस टेन स्क्वायर ए वन, तो आंसर क्या है, वन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है। बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट्स, मतलब इसका मैं सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, तो आई एम सॉरी मैं अगर आप लोगों को मतलब मैंने दोनों एक साथ कंबाइन करके नहीं अपलोड किया, बिकॉज मेरा अपलोड नहीं होगा वीडियो, मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और वो अपलोड नहीं होगा, इसीलिए मैंने पार्ट ए और पार्ट बी जैसा कुछ बना दिया, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कुछ टेंशन की बात नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, मैंने जितना हो सका अपनी तरफ से ईजी करके ही आप लोगों को समझाया है, सो जिन्हें समझ में आया वो पॉज करके देख सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। तो ये जो है इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये देखो ऐसे, अभी आप लोगों को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के बारे में पता होगा, प्रीवियस सम्स में भी हमने किया था, जैसे कि ये मल्टीप्लाई होता है और ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर नीचे लिखो, और जो साइन होता है ऑपोजिट होगा, प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लेना, टेन थीटा, और ये तो एज इट इज़ कोई मल्टीप्लिकेशन तो होने वाला नहीं है, जस्ट ऐसे लिख दो, और ये देखो सेक इंटू सेक क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ओके वन सेकेंड, यहाँ प्लस आएगा, ऊपर नीचे प्लस करना है, ओके। यहाँ जो साइन होता है ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन लिखना रहता है, तो सेक स्क्वायर और माइनस एंड प्लस, माइनस वन वन ज़ा वन। अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, ये देखो यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वन प्लस सेक वाला ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इन सच अ वे कि मैं ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखता हूँ, ऑलराइट, टेन स्क्वायर थीटा को वही रखता हूँ, और ये जो वन है इस तरफ लूँगा तो माइनस वन, तो सेक स्क्वायर तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर, तो ये जो है ये पूरा मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर वाला, सेक थीटा प्लस वन, और ये जो टेन इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये कट हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ देखो यहाँ टेन, देखो एक तो दो इधर टेन इंटू टेन हो गया, बराबर, तो एक कट हो गया, तो क्या बच रहा है, सेक थीटा प्लस वन, और ये इसकी जगह बिकॉज दो ये थे तो एक कट हो गया, ये तो चला गया, यहाँ पर टेन थीटा हो जाता है, ठीक है, ये एक हो गया। अभी हमें कैसे करना है, देखो इधर और एडिशनल स्टेप है, रैशनलाइज करने के बाद इसको वापस से सॉल्व करना है ऑन बाई थियोरम्स ऑन इक्वल रेशियो। अभी ये इसी सम में अप्लाई किया गया है, क्योंकि हम ये जो है हम लोग को ये जो राइट हैंड साइड है वो मिलना ज़रूरी है, सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज इसके तहत
ये जो है, जो हम लोग को ये मिल गया सॉल्व करने पे, और ये कैसे लिखना है देखो, टैन थीटा और सेक थीटा -1, और यहाँ पर प्लस का साइन डाला जाएगा, और ये जो है इसको लिखना है, पूरा ऐसे आप लोगों को लिखना है, ये और ये बीच में प्लस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख ही सकते हो सॉल्व हो चुका है, देखो टैन सेक और 1 ऊपर का भी मिला, नीचे का भी, देखो नीचे का भी ऊपर आगे पीछे, तो हम लोग वो सही से लिखेंगे, ऊपर वाला तो सही है, बराबर से अरेंज किया गया। डिनोमिनेटर का देखो, पहला क्या है, टैन है, तो मैं ये प्लस टैन इधर लिख देता हूँ, प्लस ये देखो सेक थीटा, और -1 है, तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो, नहीं समझे हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे ले करके वापस से देखना हो तो देख सकते हो।